I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल I Care My Child में. So हर बार की तरह इस बार भी एक नया बढ़िया सा टॉपिक जो आपके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकता है. तो आज हम बात करने जा रहे हैं ए टॉपिक डर्मेटाइटिस की, यानी कि स्किन की एलर्जी के बारे में, जो बर्थ से ही कुछ बच्चों में होती है. ये ट्रीटमेंट क्या है कि इसमें जो मैं आगे डिस्कस करूंगी वो बहुत सीरियस बीमारी के बारे में भी हो सकता है, लेकिन हल्के फुल्के एलर्जी जो होती है वो हर बच्चे को होती है. कई बार क्या होता है उसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स ना होके थोड़े थोड़े रैशेस की प्रॉब्लम हर बच्चे को रहती है. तो कुछ चीजों का ध्यान हम रख करके ये प्रॉब्लम को ठीक रख सकते हैं अपने घर पे, अपने लेवल पे ही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना जरूरी है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है. एटोपिक डर्मेटाइटिस माने कि डर्मेटाइटिस हम डर्मा से समझते हैं स्किन, है ना. एटोपिक इसलिए वर्ड यूज करते हैं, एटोपिक माने होता है कि ये जो स्किन की प्रॉब्लम है ये बाहर किसी रीजन की वजह से, किसी बीमारी की, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे ही अंदर जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्किन के अगेंस्ट काम करती है. ऑटो इम्यूनिटी का वर्ड जैसे हमने सुना होगा, इसमें इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसमें क्या होता है हमारी ही बॉडी हमारे अगेंस्ट काम करती है तो इम्यूनिटी ज्यादा ही एक्टिव हो जाती है. जैसे बोलते हैं ना, जैसे कहते हैं इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी हाई है, तो इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती है कि वो हमारे अगेंस्ट ही काम करने लगती है. तो इसका रिजल्ट होता है वो स्किन पे दिखता है. स्किन की जो लेयर्स होती है, कई सारी लेयर्स होती है, तो इसमें स्ट्रेटम एक कॉर्नेटम लेयर होती है, जो सेकंड नंबर की लेयर होती है. उसमें क्या होता है कि वो थोड़ी पतली हो जाती है. वो उसका काम होता है कि मॉइस्चर को, स्किन की मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना. अगर स्किन बहुत ड्राई होगी, ऑब्वियसली आपने भी देखा है कि विंटर्स में ड्राई होती है तो हम उसे मॉइस्चराइज करना चाहते हैं. अगर ड्राई रहती है तो उसमें इरिटेबिलिटी बढ़ती है, इचीनेस बढ़ती है, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि वो मॉइस्चराइज रहे, अच्छे से हाइड्रेटेड रहे, है ना. स्किन का फंडा कि हमें उसे अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है. तो उस टाइम पे जब वो जो स्किन की लेयर है वो हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पाती और धीरे धीरे वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो स्किन में हमें ड्राइनेस दिखती है, वहां पे क्या होता है कुछ रैशेस बन जाते हैं, दाने हो जाते हैं, स्किन फट जाती है. और ये जो प्रॉब्लम है ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, सिर से लेके पैर तक, आईज के आसपास, लिप्स के आसपास, जो जॉइंट्स हैं, नकल्स हैं, हैंड्स हैं, एल्बो है ना, पेट में हो सकती है, थाइज में हो सकती है, पैरों पे, टोज में, एवरीवेयर, हर जगह हो सकती है, किसी 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 पर्टिकुलर पार्ट पे हो सकती है, राइट. तो ये, और दूसरी बात, ये किस एज में शुरू होगी, ये बर्थ के तुरंत बाद भी कुछ बच्चों को हो सकती है. कुछ बच्चों को एट द एज 2-3 इयर्स के जब बच्चे होते हैं तब उनमें ज्यादा दिखती है, कुछ लोगों में बाद में बड़े में जाके हो सकती है. बट वन थिंग इज कि क्योंकि ये इम्यूनिटी बेस्ड चीज है तो ये अगर बहुत ज्यादा लेवल पे से माइल्ड से मॉडरेट है, बहुत माइल्ड है तो मे बी आज है कल ठीक हो जाए, मॉडरेट टू सीवियर यानी थोड़ी ज्यादा है तो वो बड़े तक रह सकती है. बट इसमें क्या है कि भाई बड़े तक रह सकती है तो हम ट्रीटमेंट ही ना करें, नहीं. अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो स्किन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, तो ओवरऑल जो उसका प्रॉब्लम है उसमें इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और 10 चीजें पैदा हो सकती है. तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें उसे ट्रीट करना है. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस प्रॉब्लम को समझना होगा, यानी छोटा बेबी है तो उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझना होगा कि ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म है. ऐसा नहीं है आज है, 4 दिन हम ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो जाएगी, नहीं. ये काफी लंबे टाइम तक चलने वाली प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं बेसिक्स हमें मेंटेन करने ही पड़ेंगे, जो चीजें अवॉइड करनी है वो करनी ही पड़ेंगी. तो दूसरी चीज इसमें क्या होता है, मदर सोचती है ये शायद मेरे मिल्क से हो रहा है, तो मदर सोचती है मैं मिल्क अपना ना पिला के डब्बे वाला दूध पिलाऊं या हाइड्रोलाइज्ड मिल्क फॉर्मूला पिलाऊं. ज्यादा एडवांस चीजों में भी जाके कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनसे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है. तो अगर स्किन एलर्जी से बचना है तो ब्रेस्ट फीडिंग ही बेस्ट ऑप्शन है. बस मदर्स ये ध्यान रख सकती है कि वो अननेसेसरी कोई ट्रिगर चीज ना खाएं. और सेकंड चीज कि अगर पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम रही है पहले बचपन में, मदर या फादर में, तो उनके बच्चों में ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. एक फैक्ट इसमें और भी ज्यादा है, इन केस अगर आपको डाउट है कि आपके बच्चे को स्किन एलर्जी हो सकती है, तो अगर आप डॉग पालते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट सा फैक्ट है, अगर आप बर्थ के टाइम पे, बेबी के बर्थ के टाइम पे डॉग हो आपके घर में, तो ये देखा गया है कि वो इस तरह की जो एलर्जिक प्रॉब्लम है स्किन की उसको ठीक कर देता है. 50% तक के चांसेस कम हो जाते हैं कि बच्चे की स्किन को एलर्जी है हो अगर आपके घर में बर्थ के टाइम पे डॉग है. आई डोंट नो ये कैसे काम करता है, बट इट इज अ फैक्ट. ओके, तो ये चीज हो गई कि स्किन की प्रॉब्लम है, ये इस तरह से होती है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलेगा. तो
अब आपको एग्जैक्टली फॉलो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको फॉलो क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे को किसी भी खुशबू वाली चीज से, है ना, कोई भी एलर्जिक चीज, बहुत ज्यादा परफ्यूम्ड हो, बहुत ज्यादा हाई केमिकल वाली चीजें हम नहीं दे सकते हैं। नेचुरल चीजें ही बच्चे को देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। जो स्किन का खुद का काम है वो अब हमें बाहर से करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो तरीका होता है बैदिंग, यानी कि बच्चे को नहलाना जरूरी है। नहलाना कैसे होगा? नहलाना होगा हल्के गुनगुने पानी से। ठंडा पानी नहीं यूज कर सकती क्योंकि वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। और बहुत गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना है। अगर बहुत गर्म पानी, यानी बच्चा टॉलरेट कर रहा है, तो हम ज्यादा गर्म से नहला दें, नहीं। ज्यादा गर्म से क्या होगा, स्किन जो है उसमें फिर से ज्यादा गर्मी की वजह से भी खुजली हो जाती है। तो एक गुनगुना पानी हमें इस्तेमाल करना है, जो पानी अच्छे से बॉडी के अंदर जाए। उसमें जितनी देर तक बच्चा 8 to 10 minutes तक उसमें रहना चाहिए, और पानी के जो मॉइस्चर है वो बॉडी में और अच्छे से लॉक हो, उसके लिए हम ऑयल्स यूज कर सकते हैं, इमोलियंस यूज कर सकते हैं, राइट। तो बैदिंग ऑयल्स अच्छी अच्छी ब्रांड्स के, हाइपो एलर्जिक, जो बिना किसी स्मेल के हो, बहुत हाई केमिकल्स ना हो, ऐसे हम ऑयल्स उसमें डाल सकते हैं पानी में। और उसमें 8 to 10 minutes तक बच्चे को एटलीस्ट रखना है। अच्छा, बच्चे को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, लोशन लगा देंगे? नो। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाथिंग के विद इन 3 minutes, 3 minutes के अंदर अंदर ही आपको इमोलियंस लगाने हैं, ऑयल लगाना है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रेशन है वो 3 minutes के बाद पूरा बॉडी से इवोपरेट हो जाता है। जो मॉइस्चर बच्चे ने नहाने के बाद अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया है वो 3 minutes में ही इवोपरेट हो जाएगा। तो उसे लॉक करना बहुत जरूरी है। लॉक करने के लिए हम इमोलियंट्स या ऑयल्स यूज करेंगे, जैसे कि वैसलीन पुट्रेल, पेट्रोलियम जेली आप जानते होंगे, या कोई सिंपल वेजिटेबल ऑयल, जैसे आप जिससे खाना बनाते हैं वो वाला ऑयल, या और किसी किसी कंपनी के इमोलियंट्स आपको मिल सकते हैं। ये बहुत स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, लेकिन बेस्ट काम आपकी बॉडी में हाइड्रेशन को रोकने का, लॉक करने का काम यही करते हैं। तो अगर आप और आपका बच्चा टॉलरेट कर सकता है तो प्लीज यही इमोलियंट्स या ऑयल्स यूज करिए। तो ये प्रोसेस अगर हल्का है, एलर्जी अभी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी स्टार्टिंग है, तो आप दिन में एक बार एटलीस्ट ऐसा जरूर करिए। बट अगर सीवियरिटी बढ़ती जाती है, यानी स्किन की एलर्जी बहुत ज्यादा है, बच्चा बहुत इरिटेट है, इचिंग करता है और स्किन में दिखते हैं रैशेज, तो आप यही प्रोसेस दिन में 2-3 times इस्तेमाल करेंगे, ओके। सेकेंड चीज क्या होगा कि इन केस अगर बच्चा इमोलियंट्स या ऑयल्स बर्दाश्त नहीं कर पाता, या रोज आप यूज कर रहे हैं बहुत स्टिकी हो गया, या जिस दिन हमें कहीं बाहर जाना है तो बहुत स्टिकी लग रहा है, तो उसकी जगह पे हम कुछ हाइपो एलर्जिक वाले, यानी सिंपल प्लेन नेचुरल मॉइस्चराइजर जो होते हैं बच्चों के लिए बने हुए, वो यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये बेस्ट मेथड नहीं है, बेस्ट इज इमोलियंट्स एंड ऑयल्स, ओके। पहली चीज ये होगी बैथिंग, फिर उसको लॉक करना, फिर अब बच्चे को इचिंग होती है तो उसके लिए हम एंटी एलर्जिक कुछ और ओरल ड्रॉप्स या सिरप्स बच्चे को दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सीरियसनेस बहुत ज्यादा है, सिर्फ हम हाइड्रेशन मेंटेन करके उसे नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो हम स्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड्स यानी स्किन में हमें लगाना है, जहां जहां पे नए नए एक्यूट एक्सेसर्वेशन है, तुरंत तुरंत नए नए रैशेज हो गए, है ना, तो वहां पे आप स्टेरॉइड्स लगा सकते हैं। बाकी जहां नहीं प्रॉब्लम है वहां पे आप इमोलियंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये कि कितने लंबे टाइम तक हम स्टेरॉइड्स यूज करेंगे, ये एक बेनिफिट रिस्क रेशियो वाली बात है कि भाई अगर हमें बच्चे की स्किन ठीक रखनी है तो हमें लगाना ही पड़ेगा। बीच बीच में हम ब्रेक ले सकते हैं। और इसका सेकंड ऑप्शन ये होता है कि हम दूसरे इम्यूनो सप्रेसेंट ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि टैक्रोलिमस, मैक्रोलिमस, इसके भी ऑइंटमेंट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। बट इनके साथ ये ध्यान रखना है कि हमें 4 to 6 weeks से ज्यादा, यानी 1 to 1.5 months से ज्यादा लगातार यूज नहीं करना है। ओरल ड्रग्स भी कुछ कुछ अवेलेबल हैं, जैसे कि इसमें है साइक्लोसरीन, ये एक ड्रग है जो हम यूज कर सकते हैं, ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, ओरल दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चे की स्किन में इन्फेक्शन है, आपको लगता है फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हम एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशंस ओरली दे सकते हैं, या ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, इनकी बीच बीच में जरूरत पड़ सकती है, ओके। बट स्किन को ट्रीट करने के लिए जब जरूरत हो तब हमें ये काम करना ही पड़ेगा, राइट। और लास्ट में कई सारे नए इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, नए नए एडवांस ड्रग्स भी हैं, बट ये
तभी डिस्कस कर सकते हैं जब आपको एक्चुअली इसको जरूरत हो, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से मिलकर इनके बारे में क्या क्या ऑप्शन आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेज, फोटोथेरेपीज, बहुत सारे और भी ऑप्शन अवेलेबल है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को जब ट्रीटमेंट की जरूरत है हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम बीच बीच में एंटीबायोटिक की जरूरत है नहीं देंगे, कोई नए ऑइंटमेंट्स और ट्यूब्स की जरूरत है हम नहीं लगाएंगे, तो लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए अगर थोड़ी सी ही इन्वॉल्व है तो हम हाइड्रेशन मेंटेन करके बच्चे को ठीक रख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलर्जिक अगर स्किन है तो आपको क्या क्या करना है बेबी के साथ। ओके, कोई नया ट्रिगर फैक्टर आपको पता चलता है कि नहीं ये खाने के बाद या इस मौसम में या ऐसे एटमॉस्फेयर में जाके बच्चे को ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, घर में किसी परफ्यूम से, ऑल आउट से, किसी भी चीज से आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उस ट्रिगर फैक्टर को हमें हटाना है। ओके, तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो हम अपने बच्चे को जरूर हेल्दी रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर किसी नए और डिफरेंट टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइए और मैं आपके लिए उसमें जरूर वीडियो बनाऊंगी। और आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको पर्सनली मुझसे कोई भी एडवाइस लेनी हो तो आप आ सकते हैं ikeamychild.com पे और डॉक्टर सुरभि गुप्ता मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।